Good morning guys, welcome or welcome back to my channel. This is Rida here and we are in the day 4 of vlogging. Aaj hai 25th of January and we are about to go for tracking. Abhi 6:30 ho rahe hai, we got up at 5 o'clock. Hum logo ko time diya tha to be ready at 6:30 for tracking. 3-4 kilometers above we'll go. Aur uske baad we have some activity in the afternoon, lunch, breakfast. After we come from tracking, हम लोग breakfast करेंगे because बहुत ज़्यादा खाकर इतना kilometers ऊपर चढ़ना और तबीयत ख़राब हो सकती है, that's the reason. Okay guys, हम लोग है ना 2 kilometers ऊपर चढ़ गए थे tracking के लिए, but उसके आगे impossible लग रहा था मुझे, तो बिल्कुल नहीं हो रहा था चलने. मतलब मैं कोशिश करती तो चढ़ जाती, but इतनी ठंड plus ये puffer jacket का weight, ये सब लेके चलना इम्पॉसिबल लग रहा था. और फिर इवनिंग में मॉल रोड घूमना है, शॉपिंग करनी है, बोटिंग करनी है, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए. तो मैंने और दीपाली ने डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक टू द होटल. तो हम वापस जा रहे हैं, रेस्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे. तब तक मैं कुछ एडिटिंग कर दूँ, बहुत सारी एडिटिंग बाकी, मैंने कुछ नहीं की एडिटिंग, तो वो सब कर दूँ. बहुत बहुत ठंड है यहाँ पर और ऑलरेडी मेरे पैर में साइड में बहुत पेन हो रहा है. योर हेल्थ इज़ मच इम्पॉर्टेंट देन एनी व्यू, बट ऑब्वियसली ऊपर का व्यू बहुत बहुत प्यारा होगा. आई विश कि मैं कंप्लीट कर पाती, पर मैं अगर ट्राई करती तो कर लेती, बट फिर नेक्स्ट टाइम. बाय. लुक एट दिस गाइस, काफ़ी चढ़ान थी ये, तो अभी हम उतर चुके हैं, बहुत ऊपर से चढ़ कर आए, पर एक्सपीरियंस अच्छा था आधे रास्ते चल कर आने. वाह, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की सी. ये रहा हमारा होटल द पेविलियन, यहीं पर स्टे किया है. यहाँ हाई कोर्ट है, यहाँ से मॉल रोड का रास्ता भी है सीधे. आफ्टरनून में जाएंगे वहाँ, अभी चलते हैं रूम में. ट्रैकिंग से आकर ना सभी को बहुत भूख लगी थी और ब्रेकफास्ट लग चुका था, तो मैंने भी अपनी प्लेट बनाकर ब्रेकफास्ट की यहाँ लेकर बैठ गई हूँ. और आज का ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी था, मेरा फेवरेट था आज का ब्रेकफास्ट. हेलो गाइस, वी आर एट दी नैनी लेक, जो मेन नैनीताल का लेक है वहाँ पर है. आई विल शो यू द व्यू. देख, ये ना नैनी लेक है और ये इतनी ब्यूटिफुल है कि बस इसको देखने जाओ तो आप बस देखते रहोगे. हाय निसर्ग, दिस इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल पैराडाइज लग रहा है, कितना प्यारा है. हे गाइस, वी आर एंजॉयिंग दी बोटिंग. बहुत 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 प्रिटी व्यू है, अगर कभी आप नैनीताल आओ तो डू नॉट मिस दिस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. पूरा नैनीताल के बीच में लेक है, एंड यू सी सो मच ऑफ थिंग्स, स्पेशली पूरी जगह माउंटेन्स है, आउटसाइड सब जगह माउंटेन्स, और वो ऊपर वाले माउंटेन्स पे आई गेस कि स्नोफॉल हो रहा है, पूरा क्लाउडी है, तो बहुत प्रिटी लग रहा है. बहुत अमेजिंग सीनरी था, आप देख सकते हो इतने क्लाउडी और बहुत ब्यूटीफुल. जो पानी है ना वो बहुत क्लीन था इनफैक्ट. और ये जो बोटिंग है इसका कुछ चार्जेस है, आई डोंट नो क्या है, बट ये हमारे पैकेज में सारा इंक्लूडेड था, सो आई डोंट नो. इसके बाद कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी है ग्रुप की, सिंगल फ़ोटोज़ भी क्लिक की है, सभी की फ़ोटोज़ क्लिक की इनफैक्ट. अच्छा, बोटिंग के बाद ना हमारे पास काफ़ी सारा टाइम था टू रोम अराउंड शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें. और ये पूरा एरिया मॉल रोड के नज़दीक ही है बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, और शॉपिंग के लिए तो बहुत कुछ है. तो हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की. इनफैक्ट मैंने नोटिस किया है कि जो अंदर जो शॉप्स थी ना, यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव था बट नीचे स्टॉल्स पे रीज़नेबल था, जो मुंबई में भी प्राइस मिल जाते वही थे. गाइस, हम लोग ने पूरा मार्केट में घूम लिया, उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए, यहाँ पर मोमोज ऑर्डर किया है, 1 प्लेट है, यहाँ से सीधा मॉल रोड है, सीधा जाकर राइट, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं. 5 बज रहे भी, हमारे पास 1:30 आ रहे हैं, देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है, अगर थोड़ी बहुत शॉपिंग बची है. ये रही नैनी लेक, ये मेरे दो फ्रेंड्स.
मॉल रोड पर ही हूँ। वैसे मॉल रोड में मुझे से कुछ खास लगा नहीं शॉपिंग, या माइट भी यहाँ पर बहुत सारी दुकानें बंद है, आई डोंट नो क्यों बंद है, बट आज का दिन बहुत अमेजिंग था, बहुत अच्छा। बोटिंग से लेकर शॉपिंग से लेकर अब तक जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और अब बस 6:30 तक हम थोड़ा इधर उधर घूमेंगे और फिर चले जाएंगे होटल वापस। फिर वहाँ पर कैंप फायर है, आज डिनर है, कल सुबह हम लोगों को निकलना है कॉर्बेट के लिए, जिम कॉर्बेट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये मॉल रोड के सामने का व्यू है और हम लोगों ने पूरी इवनिंग यहीं स्पेंड की, शॉपिंग की, बहुत सारी काफ़ी शॉप्स बंद थी, बट आप देख सकते हो कि कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। मतलब अब तक मेरे नज़रों के सामने से ये लेक नहीं गई है। शॉपिंग करते करते ऑलरेडी रात हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था अराउंड 7:30, सर्दियों में वैसे ही अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो बस अब हमको होटल चलना था, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी चली गई थी और हम तीन लोग यहाँ रुके थे, तो बस अब यहाँ से हम होटल चलेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। और होटल जाते ही डिनर रेडी था, तो हमने पहले डिनर किया। डिनर के बाद ना कैंप फायर लगाया था ऊपर टेरेस पर और टीचर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया कल का स्केड्यूल वगैरह, तो बस हमने कैंप फायर इन्जॉय किया और फिर रात में बस बैठकर एडिटिंग किया मैंने। और ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।